खड़खड़ खड़खड़ भड़बड़ भड़बड़ ऑफ द किचन इज क्लियरली ऑडिबल ऑन माई वीडियो एंड फीड सब्जी वाले भैया प्रो स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड वो मोस्टली प्रेफर करती हैं रात में स्टडी करना. Hello you guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog I hope you all are doing absolutely well. It's a fresh Monday morning and मैं अपने समय से आधा घंटा लेट चल रही हूँ. जो फुके के स्टार्ट आई एम हैविंग माई चाय एंड इट्स अ फ्रेश वीक. तो बहुत सारे काम हैं तो शुरू करते हैं मंडे से. एंड आई एम वेयरिंग माई स्कूल की स्वेटर. कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि स्कूल की स्वेटर. मैंने कहा हाँ. बोलती कब तक चलाएगी. मैंने कहा जब तक चलेगी. आई फील कम्फर्ट. इट्स लाइक इट्स बीन 7, 8, or 8, 9 years इस स्वेटर को मेरे साथ. बट अभी भी ये साथ दे रहा है. लॉयल्टी मैटर्स. सो अभी तो आई एम हैविंग चाय क्योंकि मैं लेट चल रही हूँ अपने टाइम से. तो इसको फटाफट फिनिश करेंगे एंड बैक टू वर्क. लेट्स गेट इट स्टार्टेड. ऑल्सो हियर आर माई न्यू नेल्स. लुक एट दैट. ये कल रात में ही मैंने किए हैं. इट्स लाइक संडे रूटीन. जब तक ये बड़े हैं एक वीक मेरे नेल्स आराम से चल जाते हैं पॉलिश में. और जैसे ये निकलने लग जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ मैंने संडे को चेंज कर दूँ. तो कल रात में ही मैंने इन्हें चेंज किया है. एंड आई थिंक मैंने इससे पहले व्लॉग में नहीं बताया मैंने इन्हें थोड़े शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं. ज़्यादा बड़े मुझे काफ़ी चीज़ों में तकलीफ देते हैं. उस दिन मैं अपने इयररिंग्स नहीं खोल पा रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे चूड़ी वाले जो पेच होते ना वो था. सो मैंने इनको कट कर दिया. अब ये शॉर्ट हो गए एंड फ्रेश लग रहे हैं. मंडे में काफ़ी चीज़ें एकदम ऐसी मेरी फ्रेश फ्रेश सी लगने लगती हैं. बिकॉज कल मैंने बाल धोए हैं तो बाल अभी अच्छे हो रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ द हवा ये झाड़ लग रहे हैं. बट बाल अच्छे हो रहे हैं. माइंड थोड़ा सा फ्रेश है क्योंकि नया वीक है. नए काम हैं. काम बहुत सारे हैं और नील्स नए हैं. तो मंडे एक बहुत फ्रेशनेस से देती है. जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं ना वीक ऐसे ढलने लग जाता है. एंड संडे को वापस से बहुत सारा काम एंड मंडे को वापस से फ्रेशनेस. इट्स लाइक अ साइकिल. इट्स वन एट माई स्टोर. मैं आई जल्दी थी बट जब से आई थी तब से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करी थी तो मेरी आंखें से फ़ोन में गड़ी हुई थी. तो मैंने वो सारा काम अभी निपटाया है. अभी आज मैं जल्दी ऊपर जा रही हूँ बिकॉज मुझे फिल्म करनी है एक यूट्यूब वीडियो जो आप इससे पहले मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी देख चुके हो. लाइक दैट फेशियल एंड द चिट चैट वाली वीडियो. सो मैंने बहुत टाइम हो गया था क्वेश्चन आंसर भी नहीं किया था और मुझे अपनी स्किन को भी प्रेप करना था. तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं. बट टुडे आई एम आल्सो व्लॉगिंग तो इसलिए मैं आपको अभी व्यायाम बता दे रही हूँ. तो आप ऑलरेडी वो देख चुके. नहीं देखी तो जाके देख लो. लेकिन अभी मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा अभी पूरा दिन जाने वाला है. तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी ऊपर जा रही हूँ कि मैं उसको जाके प्रॉपर फिल्म कर लूँ. एंड या अभी का वही मेरा प्लान है. जैसे मैंने बोला था मंडे है सो बहुत सारे काम. तो मैंने अपने दिमाग में और एक लिस्ट में एकदम ऐसे कर रखा है कि मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं. तो ये एक काम है जो मुझे अभी निपटाना है तो वो मैं करने जा रही हूँ. इसलिए आज थोड़ा जल्दी जा रही हूँ. मैंने यही बात 3 बार एक साथ रिपीट कर दी. बट कोई बात नहीं ठीक है. एंड मैंने आपको बताया था मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में कि मेरे दो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा था. फाइनली संडे को वो डिलीवर हो गया है. सो मेरी थोड़ी टेंशन उतर गई है. एंड बाकी दूसरा ऑर्डर भी डिस्पैच हो गया है. सो आई एम सुपर 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 डुपर हैप्पी. लिटिल बिट थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. अभी जाते हैं फटाफट से सेटअप करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एंड देन आई कैच यू ऑल. ऑल सेट फॉर द वीडियो. ऑल द प्रिपरेशन आर डन. एक बार ही लाइट जा चुकी है. 10 रीटेक मार चुकी हूँ. ब्लॉग्स की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि सिट डाउन में रीटेक्स पे रीटेक्स. ऊपर से सब्जी वाले भैया अरे भैया प्रो. आई जस्ट इंजॉय व्लॉगिंग. हाँ ऐसे रैंडम कैमरा उठाओ जो मन में आ रहा है बोल दो. सिट डाउन इज लाइक वाले अंकल इज गोइंग बैक टू बैक. एंड माई मदर डिसाइडेड टू क्लीन यूटेंसिल्स राइट नाउ राइट अवे. द खड़खड़ खड़खड़ भड़बड़ भड़बड़ ऑफ द किचन इज
क्लियरली ऑडिबल ऑन माई वीडियो. सो अभी तक मैंने अपना वीडियो स्टार्ट नहीं किया है. एडिटिंग वॉचिंग द कैमरा नॉट एंजॉइंग सो मच बट वॉट आई हैव टू डू. फाइनली डन विद द वीडियो. सारा पसारा भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है. इट्स 4 और मैं ऊपर 1 बजे आई थी. कुछ नहीं खाया है अभी तक एंड द फेशियल ग्लो इज रियली गुड. आई एम हैप्पी विद द फेशियल एंड अभी स्किन काफी बढ़िया लग रही है. अभी तक मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. जस्ट अभी मैंने फिल्मिंग खत्म की है. सो अभी मैं सीरम वगैरह अप्लाई करने वाली हूँ. एंड फेशियल का मेन जो ग्लो है वो 1 दिन बाद दिखता है. तो कल मैं आपको एकदम जगमगाती चमचमाती दिखूंगी अगर मैंने ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू किया तो. एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड. मुझे अच्छे लगे. जो इंस्टेंट रिजल्ट्स थे वो भी काफी अच्छे रहे. सो अभी आई नीड अ गुड टी. तो हम बनाएंगे. पहले हम चाय चढ़ाएंगे और फिर हम ये सब साफ करेंगे. हम नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. तो पहले मैं चढ़ाऊंगी चाय ताकि जब तक मैं ये सब साफ करूं तब तक चाय बन जाए और फिर तब तक टाइम हो जाएगा वापस नीचे जाने का. तो फिर जाके नीचे शॉप का काम करेंगे. That's how my life runs nowadays. मैंने कहा that's how my life runs nowadays. Okay, let's go. अरे यार ये शॉट लेने के चक्कर में मोजे गीले हो गए मेरे. 2 दिन और चलाती मैं. उतारना पड़ेगा अभी. दिन के पूरे शूट के बाद मेरी बैक, लोअर बैक में जो पेन हो रहा है ना, अभी जब से बस मैं टिक के बैठी थी एंड आई फिनिश एडिटिंग ऑलमोस्ट हो गई है. मुझे अभी जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है और थोड़े से टेक्स्ट ऐड करने हैं. अदरवाइज डन. सो आई एम हैप्पी कि मैंने कल तक छोड़ा नहीं है उसको और फाइनली वो काम खत्म हुआ. हेलो यू गाइज. काफी तेज ठंड है. फिलहाल मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी और इस व्लॉग में जो वीडियो मैंने शूट किया था फेशियल वाला, उसे कुछ क्वेश्चंस तो थे वो रह गए थे आंसर करने के लिए क्योंकि वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आए थे. मैंने इस व्लॉग में आंसर किए थे उन क्वेश्चंस को लेकिन वो वीडियोस थोड़ा सा करप्ट हो गए ट्रांसफर वगैरह करने में. सो हियर आई एम. मैं अभी आंसर कर देती हूँ कुछ क्वेश्चंस को. तो रुद्रांशी ने पूछा है डू यू वॉच मैडम सर. यस, पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा फ्रिक्वेंस में मैं देख रही हूँ. पहले मैं वागले की दुनिया देखती हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो फिर मैं अनुपमा और अनुपमा के बाद मैडम सर. तो ये कंटिन्यूस में चलता ही चलता है. मैं और पापा ये सीरियल्स देखते ही देखते हैं एंड काफी कॉमेडी सा सीरियल है. तो अगर आप लोग नहीं देखते हो मैडम सर तो डेफिनेटली एक बार देखो, मजा आएगा आपको. उसके बाद उसने कुछ दिस और डेट वाले ऑप्शन दिए. तो टीवी और मूवीज. सो अभी फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ. मूवीज से बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हूँ. मैंने काफी टाइम से मूवीज देखी ही नहीं है. सो मूवीज से बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हूँ मैं. फिल्मिंग और एडिटिंग, पहले एडिटिंग में बहुत मजा आता था. मैं एडिटिंग में इतना टाइम देती थी मैंने कभी कभी ढाई ढाई तीन तीन घंटे दिए एडिटिंग को.
बट अभी फिल्मिंग एडिटिंग के लिए मुझे बहुत कंटाल आती है और मुझे अपने को बहुत फोर्स करना होता है एडिटिंग के लिए. सो फिल्मिंग. नेक्स्ट इज ज्वेलरी और मेकअप, बोथ, क्योंकि ज्वेलरी के बिना मेकअप एनहेंस नहीं होता और मेकअप के बिना ज्वेलरी नहीं. तो बोथ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है. मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, लाइक काफ़ी चीज़ों में मैं ऐसे रह जाती हूँ, बट जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हूँ तो उनके साथ मैं एक्सट्रोवर्ट रहती हूँ. तो लाइक कॉम्बिनेशन कह सकते हो, बट मोस्टली मैं इंट्रोवर्ट हूँ. एडवेंचरस और नॉन, आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन, इसलिए आप मुझे सिर्फ घर पे देखते हो. मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हूँ. मैं बाहर जाना भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज बाय माय इंस्टा फ्रेंड. आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं बताया. इफ़ यू आर वॉचिंग प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सो उन्होंने बोला है कि वो स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड वो मोस्टली प्रेफर करती हैं रात में स्टडी करना. तो बेसिकली अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और डिस्ट्रैक्ट होने का आज की डेट में सबसे बड़ा मीडियम फोन है. ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, तो हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी स्टडीज़ पे, तो एक पर्पस होना, एक एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब वो प्रेशर नहीं रह गया है माइंड में स्कूल्स का, ऑनलाइन क्लासेस का, किसी भी चीज़ का. तो हम अपने आप को फोर्स भी नहीं करते हैं पढ़ने के लिए. अगर आपके पास पर्पस है तो आपको कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई एम पर्पस नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. आपको चूज़ करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ में. तो और कुछ नहीं, तो धीरे धीरे हैबिट डालो. जैसे कि फ़ोन की हमें हैबिट नहीं डालनी पड़ती है, बट वो डल जाती है क्योंकि हम उतना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं. तो अगर हम कोशिश करेंगे अपनी स्टडीज़ पे, आई नो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा. एंड आप नाइट में प्रेफर करते हो, इट्स अ गुड थिंग. मुझे पता है नाइट में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, बट अगर मैंने मॉर्निंग में उठ के, मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैंने मॉर्निंग में उठ के 11 बजे से पहले एक बार अपनी बुक्स नहीं उठा लिया तो फिर मैं पूरे दिन नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरा दिन, मुझे ऐसा लगेगा मैं तो रात में पढ़ लूँगी. फिर मैं पूरा दिन फ़ोन चलाऊँगी, या जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता था तभी मैं दिन भर कुछ भी करूँगी, मुझे लगेगा रात में पढ़ूँगी, और दिन भर मैं अपने आप को एग्जॉस्ट कर दूँगी, और रात में मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करूँगी, या तो मैं नहीं पढ़ूँगी, फिर सोचूँगी मैं कल से पढ़ूँगी. तो वो मेरे साथ होता है, ये साइकोलॉजी है, ये सबके साथ होता होगा. तो अगर आपके साथ ये होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रेफर करो कि आप दिन में भी कोशिश करो पढ़ने की और रात को भी पढ़ो, सिर्फ नाइट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि वो कभी कभी हो ही नहीं पाता है. हम फिर नेक्स्ट डे पे टाल देते हैं और फिर वो पूरा दिन हम फोन चलाते हैं, और फिर वो जब हम कंटिन्यूस में दिन भर फोन चला रहे हैं तो फिर वो रात में एकदम से पढ़ाई मेरे से तो पॉसिबल नहीं है. मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करो कि दिन में भी आप कम से कम एक दो घंटा दे दो, और आप रात के लिए कुछ वर्क छोड़ो और प्लानिंग वगैरह करो. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं कि आप कैसे प्लान कर सकते हो अपना डे, कैसे आप चीज़ों को पहले से सोच समझ के रख सकते हो जिससे आपको आगे पढ़ने में इजी पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हो. तो मेरी तरफ से अभी मैं आपको इतना ही सजेशन देना चाहूँगी, छोटे छोटे स्टेप लो, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं. आई होप यू एंजॉयड. इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज जाके पार्टिसिपेट कर लो. जैसे 2K होगा मैं बिना अनाउंस कर दूंगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. यू ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. Bye.